ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बड़ी खबर सिरोही से मिल रही है, जहां बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। सियावा नदी में नहाने गए स्कूली बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। गांव के लोग तलाश कर रहे हैं। 11वीं का ये छात्र बताया जा रहा है, 11वीं कक्षा का पढ़ने वाला ये छात्र है। सियावा आश्रम छात्रावास में ही रहता था ये छात्र। छात्रावास से कैसे बाहर निकला, ये बहुत बड़ी बात है। छात्रावास से बाहर निकला और नहाने में, सियावा नदी जो है वहाँ नहाने के लिए गया और उस दौरान डूबने से बच्चे की मौत हो गई। सिरोही से बड़ी खबर है, जहाँ बच्चे की डूबने से मौत हुई है। 11वीं कक्षा का ये छात्र है, जिसकी सियावा नदी में नहाने जाने से मौत हो गई। नहाने के दौरान डूब जाने से इस स्कूली बच्चे की मौत हो गई। गांव के लोग तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें, सियावा आश्रम छात्रावास में ही ये छात्र रहता था, लेकिन छात्रावास से बाहर निकला। ये बड़ी बात है कि ये छात्रावास से बाहर निकला और किस तरह से निकला, ये फिलहाल पता नहीं है, कारणों का पता नहीं चल पाया है। और ये बच्चा अकेला सियावा नदी में नहाने के लिए गया और नहाने के दौरान डूब जाने से इस बच्चे की मौत हो गई। गांव के लोगों को भी इस बात का अंदेशा नहीं था, किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये बच्चा छात्रावास से निकल गया है और नदी में नहाने के लिए गया हुआ है। जब तक लोगों को पता चल पाता, इस बच्चे की डूबने से मौत हो चुकी थी। गांव के लोग फिलहाल तलाश कर रहे थे। 11वीं कक्षा का छात्र है और ये छात्र छात्रावास में ही रहता था, सियावा आश्रम छात्रावास, जहां पर ये छात्र रहता था। लेकिन ये छात्रावास से निकला और बाहर निकलकर नदी में नहाने के लिए गया और इसी दौरान इस बच्चे की मौत हो गई।